हाय, दिस इज विजय ठक्कर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पहले तो आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। अभी आने वाला वीक पूरा क्रिसमस वीक रहेगा, तो आप लोग अच्छा खासा एंजॉय करना। दूसरी चीज, मैंने आज के वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल सोचा है। आज मैं जो भी आप लोगों के साथ स्टॉक शेयर करने वाला हूँ ना, ऑब्वियसली हम लोग हमारा जो हमेशा की तरह जो हम लोग हमारी स्टाइल रखते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट में हम लोग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स जो आप लोगों को एक अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। और हाँ, हम लोग हमारी निफ्टी का एनालिसिस तो पहले करेंगे ही। यहाँ पे है ना, आज के वीडियो में मुझे जो स्टॉक्स मिले हैं उसमें जो स्टार्टिंग के ट्रेडिंग स्टॉक्स है वो ऐसे है कि वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे ही बन रहे हैं। मतलब मोर और लेस आप बोलो कि वो स्टॉक अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखोगे तो कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए क्रिसमस गिफ्ट, मतलब अभी आप लोग मेरे एक वर्चुअल फ्रेंड हो, जैसे आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप कभी मुझे पर्सनली मिले नहीं है, तो अगर मुझे आप लोगों को कुछ गिफ्ट देना है तो मैं आप लोगों को क्या गिफ्ट दूं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को आज अच्छे स्टॉक्स में आप लोगों को सजेस्ट करूं जो आप लोग अपने पोर्टफोलियो में खरीद सकते हो और आपको 6 महीना 7 महीना में वो एक अच्छे रिटर्न दे सके। तो मैंने आज जो स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं ना, उसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको 50% से लेके 80% तक का आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारे स्क्रीन में जाते हैं और देखते हैं कि वो स्टॉक्स कौन से हैं। और हाँ, एक आप लोगों के लिए मैं सरप्राइज रखता हूँ, ये सारे स्टॉक्स के साथ मैं आप लोगों के साथ और एक ऐसा स्टॉक, मतलब ये स्टॉक्स के अंदर ही, मतलब मैं आप लोगों के साथ 7-8 स्टॉक शेयर करने वाला हूँ। तो ये 7-8 स्टॉक्स में से ही एक स्टॉक वो है जो मैंने अपने स्टॉक बॉक्स में ऑलरेडी रेकमेंड करके रखा है। तो प्लीज आप वो स्टॉक बताए ना मुझे कमेंट करके कि वो स्टॉक आप लोगों को कौन सा लग रहा है, कि वो स्टॉक कौन सा होगा जो मैंने ऑलरेडी स्टॉक बॉक्स में रेकमेंड करके रखा है। तो चलिए हम लोग हमारे स्क्रीन पे जाके देखते हैं कि ये स्टॉक्स कौन से है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। अभी आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि निफ्टी को एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वो सपोर्ट अगर वो ब्रेक करेगा निफ्टी तो वो निफ्टी 13,400 अदरवाइज 13,150-130 तक का भी टारगेट आ सकता है। तो अगर आप लोगों ने देखा कि हमारा मंडे का ही जो कैंडल है, मतलब ये जो आप कैंडल देख रहे हो ये मंडे का ही कैंडल है, उसने लो मारा था 13,130 का, मतलब वो जो हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो इतना तो नीचे आ ही जाएगा, तो एग्जैक्ट वहाँ पे नीचे आया। अगर आप देखो तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब वही रेजिस्टेंस निफ्टी ने एज अ सपोर्ट लिया है। अभी अगर आप यहाँ पे एक चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोग एक चीज़ रियलाइज करोगे कि बॉस ये तो जो था वो पहले रेजिस्टेंस था, अगर आप इसको बोलोगे तो ये एक टाइप का रीटेस्ट हो जाता है। देखो रीटेस्ट थियरी क्या होती है ना, कभी कभी ये बहुत लेट स्टॉक रीटेस्ट होते हैं, कभी कभी बहुत फास्ट होते हैं, ये सेम चीज़ इंडेक्स में भी होता है। तो अभी यहाँ पे ये इंडेक्स ने बहुत ही फास्ट रीटेस्ट कर लिया और अगर आप बोलो तो एक ही दिन के कैंडल ने वो प्राइस को रीटेस्ट किया। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है वो बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रेंथ से जा रहा है। पर अभी आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, पहले के जो कैंडल थे वो कितने छोटे छोटे थे और वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। अभी आप अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली जो 3 दिन से जो मार्केट ऊपर जा रहा है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कंपेयर टू प्रीवियस मतलब बुलिश कैंडल ये थोड़ी ज़्यादा है। तो अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा ना कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है जो मैंने ऑलरेडी ट्विटर पे शेयर किया है कि 13,777 या फिर आप बोल सकते हो कि 13,780, अगर ये मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है जो मंडे के कैंडल का हाई भी है, या तो फिर आप बोल सकते हो कि पहले कैंडल ने वहाँ पे ही मतलब स्पॉट निफ्टी ने वहाँ पे ही हाई बनाया था, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है 14,420। मैं आप लोगों को ये जो टारगेट बोल रहा हूँ ये इंट्राडे टारगेट नहीं है, ये पोजिशनल टारगेट है, तो ये आप अपने ध्यान में रखिए। तो मेरा अगर 13,780 अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है और अच्छी तरीके से सस्टेनेबली उसके ऊपर ही रहेगा तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है 14,420। अगर वापस से निफ्टी ने 13,400 अगेन 13,750 के आसपास ऑलरेडी निफ्टी चल ही रहा है, अगेन उसको 400 का एक सपोर्ट है, अगर 400 का ब्रेक कर देगा तो वापस से 130-140 का सपोर्ट है। और अगर मार्केट बहुत ही बेरिश हो गया, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर मार्केट ज़्यादा भी बेरिश हुआ तो उसको मेजर रिटेस्ट लेवल है 12,440 जो उसका लास्ट टाइम का पूरा लाइफ टाइम हाई रेजिस्टेंस था। अगर आप यहाँ पे देख सको तो ये वाला लेवल, अभी जनरली ये होगा कि नहीं होगा मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, पर मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बोल दूंगा कि अगर समझो मार्केट ने 12,440 का लेवल टच किया तो शायद मैं बहुत ही एग्रेसिव होके बाय करने वाला हूँ जो भी स्टॉक्स मुझे पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर वो एक अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। ये था आप लोगों के लिए मेरा जो स्पॉट निफ्टी का व्यू है वो। अगर आप लोगों को कोई भी लग रहा है कि स्पॉट निफ्टी में ये नहीं ये व्यू हो सकता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो।
अभी हम लोग सबसे पहले हमारे ट्रेडिंग स्टॉक्स को देखेंगे। अभी मैंने आज के वीडियो में आप लोगों को ये भी बोला कि मैं आज जो भी आप लोगों के साथ जो भी स्टॉक शेयर करने वाला हूँ उसमें से एक स्टॉक ऐसा है जो मैं अपने स्टॉक बॉक्स के अंदर मैंने लिया है, तो ये आप लोगों को बताना है कि वो स्टॉक कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग पहले हमारे ट्रेडिंग स्टॉक्स को देखते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला ट्रेडिंग स्टॉक है उसका नाम है सिम्फनी। अभी मैंने ये स्टॉक को लास्ट वीक में मैंने देखा था, ये स्टॉक थोड़ी बुलिशनेस दिखा रहा था और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक में वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। तो ये स्टॉक मेरे रेडार में ऑलरेडी लास्ट वीक में आ गया था, थर्सडे फ्राइडे के टाइम पे ही। अभी ये स्टॉक में एक चीज देखने जैसी क्या है ना कि यहाँ पे देखो जून महीने में, मतलब जून महीने से लेके अगर आप अभी तक काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 9-10 महीने हो गए हैं और जून महीने से लेके अभी तक ये स्टॉक मतलब एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप यहाँ पे एक लाइन बना दोगे तो एक आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा था। तो अभी ऐसा क्या हो गया है कि वो स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 970 है। अगर ये 970 को ब्रेक कर देगा तो आने वाला इसमें जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 1275-1270 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। अगर ये स्टॉक वापस से 930 को ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक फिर से वीक हो जाएगा, तो ये चीज़ अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा। हमारे लिस्ट में जो दूसरा ट्रेडिंग स्टॉक है जो मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा लग रहा है वो है जॉनसन कंट्रोल हिताची एयर कंडीशन। मतलब ये जो स्टॉक है ये स्टॉक बहुत ही बोरिंग टाइप का है, ये पर्सनल मेरे इन्वेस्टमेंट में भी बहुत साल से है, मतलब ऑलरेडी मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन जो मैंने आप लोगों को सिम्फनी में बताया वो भी यहाँ पे ही हो रहा है। ये जुलाई महीने और जून मंथ से नहीं, ये अगस्त मंथ में इसका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था आप देख रहे हो, स्टॉक ने ये लेवल का हाई बनाया था, उसके बाद कंटिन्यूसली ये स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा था। अगर आप बोलो तो ये पूरे स्टॉक ने अगस्त मंथ से लेके अभी तक अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है। अगर आप वीडियो को पीछे जाके देखोगे तो सिम्फनी के चार्ट में और इसमें भी बहुत सारी सिमिलैरिटी है। ये हिताची वाले स्टॉक ने, मतलब ये जो जॉनसन वाला स्टॉक है उसने यहाँ पे मतलब फ्राइडे को एक अच्छी खासी मूवमेंट कर दी, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा इंक्रीज हो गया है। तो मेरे लिए ये स्टॉक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना, ये स्टॉक ने 2440 पे ब्रेकआउट किया है। इसका और एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल है 2650 का। अगर ये 2650 भी तोड़ देगा, ऑलरेडी इसने एक छोटा ब्रेकआउट तो कर दिया है जो 2440 पे था, अगर ये 2650 भी तोड़ देगा तो इसमें अपसाइड मुझे जो दिख रहा है वो 2900 और 3400 दिख रहा है। अगर ये स्टॉक 2250 लेवल को ब्रेक कर देगा तो अगेन ये स्टॉक भी वीक हो जाएगा। हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है जो मुझे ट्रेडिंग के लिए अच्छा लग रहा है, अगर आप बोलो तो ये स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हो, तो उसका नाम है कल्याणी स्टील लिमिटेड। अगर आप ये स्टॉक में भी देखो तो अगेन ये सेम स्टॉक का पैटर्न ही है। अभी देखो बहुत सारे लोगों को ये स्टॉक में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। देखो जैसे पैटर्न्स आपको बुक्स में बताते हैं वैसा कंपलसरी नहीं है कि लाइफ में भी, मतलब रियल लाइफ में भी आपको वो पैटर्न एकदम बुक्स से मैच होते हुए दिखे। मतलब लास्ट टू लास्ट वीक मैंने एक स्टॉक शेयर किया था जिसका नाम है टाटा पावर। अगर आप उसमें देखोगे, अगर आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके देखोगे, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो वो चार्ट में जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था ना वो एकदम पिक्चर परफेक्ट था। पर यहाँ पे देखो ये पिक्चर परफेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये जो है वो शोल्डर ये ऐसा है, अगर आप बोलो तो इसको आप हेड बोल सकते हो, फिर वापस से ये एक शोल्डर आ जाएगा। अगेन ये स्टॉक का इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पिक्चर परफेक्ट नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो पैटर्न जैसा है। तो इसका जो मेजर ब्रेकआउट है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे येलो लाइन में बताया है, येलो कलर से हाईलाइट किया है, तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होगा। आप देखोगे तो मेरे चार्ट में आप लोगों को हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज भी दिखेगा, तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के पास भी ऑलमोस्ट आ गया है। इसका जो ब्रेकआउट है वो 270 के ऊपर होगा। इसमें जो अपसाइड पोटेंशियल है, मतलब 305 और 350 का मुझे एक अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है, और अगर ये स्टॉक 235 को ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक भी वीक हो जाएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर आप लोगों को मेरे आने वाले वर्कशॉप के रिलेटेड या हमारे स्टॉक बॉक्स के रिलेटेड डिटेल जाननी है तो आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हो, मेरी वेबसाइट का नाम है vijaythakkar.com। यहाँ पे आप लोगों को नीचे की तरफ में दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, आप दोनों में से किसी को भी क्लिक करोगे तो इसके रिलेटेड आपको जो भी डिटेल है वो वेबसाइट के अंदर मिल जाएगी। अभी मैं आप लोगों के साथ हमारा आज का पार्ट टू डिस्कस करने वाला हूँ जो मुझे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लग रहा है, मतलब आने वाले एक 6 महीने 3 महीने के पीरियड के बेसिस पे मैं इन्वेस्टमेंट में खरीदने वाला हूँ ये स्टॉक्स को। तो उसमें से सबसे पहला स्टॉक है सिप्ला। अगर आप सिप्ला का चार्ट देखोगे तो ये सिप्ला का मंथली चार्ट है। अगर आप देखो येलो वाला जो जोन है वहाँ पे सिप्ला का ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई था, सिप्ला ने वो ऑलरेडी बहुत टाइम पहले ब्रेक कर दिया था। आप यहाँ पे देखो ये लेवल जो था वो 2015-2016 वाला रेजिस्टेंस था, सिप्ला ने यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद सिप्ला कंटिन्यूसली, मैं अभी आप लोगों को वीकली चार्ट दिखाता हूँ,
ब्रेक करने के बाद सिप्ला कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा था। अभी यही टाइम होता है जहां पे जो वीक बायर होते हैं, मतलब जो स्टॉक को परचेस करते हैं पर जो बायर मतलब उनकी स्ट्रैटेजी पे मतलब इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं ना, वो ये वाला जो टाइम होता है, जो पेशेंस वाला टाइम होता है, उसमें से वो एग्जिट कर देते हैं। और अगर आप देखोगे तो अभी सिप्ला ने भी उसका जो मतलब छोटा सा कंसोलिडेशन वाला एरिया था उसको भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो सिप्ला में मेरा ट्रेड बहुत ही सिंपल है, ये अच्छा है मेरे लिए 817 के ऊपर ही, मतलब 817 के ऊपर ही ये स्टॉक मेरे लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो अपसाइड पोटेंशियल है वो मुझे 948 950 की दिख रही है। अगर ये स्टॉक 790 को फिर से ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। अगर आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे पुराने वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फार्मा स्टॉक शेयर किए थे कि कौन से ऐसे फार्मा स्टॉक्स है जो हम लोगों को लेने चाहिए 1 साल के लिए। उसके अंदर भी सिप्ला मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा था। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें से सेकेंड स्टॉक है HDFC AMC लिमिटेड। अगर आप HDFC AMC का जो आप लोग चार्ट देख रहे हो, अगेन ये वीकली चार्ट है। देखो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी खरीदना या बेचना चाहते हो तो आप वीकली चार्ट देखो, वही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप देखोगे HDFC AMC को, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो मैंने ऑलरेडी येलो कलर की मतलब लाइन बना के रखी है, वो मैंने हाईलाइट किया है जो रेजिस्टेंस था। अभी अभी देखो यहाँ पे अच्छे से ये स्टॉक ने मतलब एक ब्रेकआउट दिया है। तो इसमें जो मेरा जो टारगेट है मतलब वो मेरा जो अपसाइड पोटेंशियल है वो लग रहा है 3400। और मैं आपको बता दूं कि शायद ये स्टॉक ऑल टाइम हाई भी मार सकता है। ये स्टॉक ऑलरेडी 2840 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दे दिया है। वापस से अगर ये स्टॉक 2600 लेवल को तोड़ देगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिए। हमारे लिस्ट में जो थर्ड स्टॉक है जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका नाम है नाटको फार्मा लिमिटेड। अभी नाटको फार्मा का आप चार्ट देखोगे, ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट दिखाने का रीज़न है कि अगर आप ये स्टॉक का ट्रेंड देखोगे तो ये स्टॉक ने कंटिन्यूसली हमेशा एक अप ट्रेंड में ही दिया है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये ट्रेंड था तो ये एक हायर हाई था। अगर मैं अभी जो रिसेंट जो फॉल हुए थे मार्च और ये सब टाइम के अप्रैल मंथ में, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये फॉल के वजह से यहाँ पे एक अच्छा हायर लो का एक बेस बन गया है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बेस मेरे पास बना हुआ है जो हायर लो सेम है। अभी नाटको फार्मा में मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है ना, मैं आप लोगों को वापस से वीकली चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे 2018 का बहुत सारा रेजिस्टेंस था, मतलब कंटिन्यूसली ये स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। अगर आप ये स्टॉक को देखोगे तो वापस से इसने अच्छा राउंड बॉटम बनाया है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। वापस से देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है पर वीक प्लेयर्स को बाहर कर रहा है, बिकॉज वीक प्लेयर्स ज़्यादातर टाइम रुक नहीं पाते हैं, उनको फास्ट रिजल्ट चाहिए। पर अगर कोई स्टॉक बड़ा रिजल्ट देने वाला है, अगर कोई स्टॉक बड़ी रैली देने वाला है तो वो बहुत ही स्लो चलेगा, इतना जल्दी फास्ट नहीं चलेगा। मैं वापस से आप लोगों को मंथली चार्ट पे लेके आता हूँ। ये स्टॉक आप लोगों को अगर परचेस करना है तो आप 930 और 850 के रेंज में बाय कर सकते हो, बिकॉज ये रेंज अच्छी है परचेस करने के लिए। अभी ये स्टॉक का भाव ऑलरेडी 932 चल ही रहा है। अगर ये 1080 लेवल को ब्रेक करता है जो इसका लाइफ टाइम हाई है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये स्टॉक और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब ऐसा मत सोचना कि 1080 ब्रेक कर दिया तो अभी हम लोगों को परचेस नहीं करना चाहिए। अगर आपने परचेस किया है तो आप यहाँ पे 1080 के ऊपर पिरामिडिंग कर सकते हो। अगर ये स्टॉक 750 ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। इसमें जो अपसाइड पोटेंशियल है वो मुझे 1760 तक की दिख रही है। तो ये स्टॉक मेरे लिए भी एक अच्छा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बनेगा। आप भी मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। हमारे लिस्ट में जो लास्ट स्टॉक है जो मुझे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा लग रहा है, उसका नाम है इंटेलेक्ट डिज़ाइन। अभी आप ये जो स्टॉक का चार्ट देख रहे हो ये मंथली चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये स्टॉक को जो रेजिस्टेंस मतलब बेस बना था रेजिस्टेंस का, वो 2015 में बना था। वापस से ये स्टॉक ने 2018 में ब्रेक करने की कोशिश की, वापस से ये स्टॉक ने 2018 और 19 में आप बोल सकते हो अटेम्प्ट किया था, पर ड्यू टू द कोविड वाला जो फॉल था उसके वजह से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 54 रुपीज़ तक आ गया था। तो ये स्टॉक अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, इसने 290 और 275 के ऊपर इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपको परचेस करना है तो आप 290 और 275 के ऊपर परचेस कर सकते हो। इसमें जो अपसाइड पोटेंशियल है वो मुझे 520 की दिख रही है। अगर ये स्टॉक वापस से 240 ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। अगर कोई स्टॉक है जो मैंने मिस कर दिया है तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट में जाके मुझे टैग कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो वो स्टॉक कौन सा है, और आप मुझे बता सकते हो वो स्टॉक का चार्ट भी शेयर कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि विजय जी आप रिप्लाई नहीं करते। देखिए अगर आपका चार्ट अच्छा है तो मैं वो चार्ट को लाइक करता हूँ, और अगर आपका चार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा तो ज़रूर मैं वो चार्ट्स के ऊपर कमेंट करूँगा। तो आप मेरे साथ शेयर करिए आप लोगों को कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आने वाले वीक में।
तो ये थे सारे स्टॉक्स जो मुझे आने वाले वीक में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इसमें से सबसे ज्यादा अच्छा, मतलब ज्यादा फेवरेट आपका कौन सा स्टॉक है, मतलब आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस से मैच हुआ क्या। और अगर आप लोगों को कोई ऐसा लग रहा है जो मैंने स्टॉक मिस कर दिया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे मेरे ट्विटर अकाउंट में मुझे बता सकते हो कि वो स्टॉक कौन से है। अभी ये थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक क्रिसमस गिफ्ट। अभी मैं आप लोगों को एडवांस में ही हैप्पी न्यू ईयर बोल देता हूँ, बिकॉज अभी हमारा जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट संडे आएगा, मतलब न्यू ईयर के बाद आएगा। तो आप लोगों को, सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट ईयर जो हमारा था वो बहुत ही खराब गया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए हैं। बट हाँ, मैं आप लोगों को बोलूंगा कि कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज हुई है, बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट का रियल पावर पता चला है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्या है, आप स्टॉक मार्केट में से कितना अच्छा काम कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छी चीज हुई है। आने वाले साल में आप लोगों के लिए बहुत ही सारी अच्छी चीज हो वो मैं आप लोगों के लिए विश करता हूँ। तो आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, और आप लोगों का आने वाला साल बहुत ही अच्छा जाए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप आने वाला जनवरी मंथ में, मतलब जो मेरा वर्कशॉप है जो ऑनलाइन होने वाला है, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हमें भी ऐसे स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, विजय जी कैसे ये सारे स्टॉक्स की प्लानिंग करते हैं, ये सारी चीजें जाननी है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जनवरी मंथ का वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।